हाय एवरीवन, मैं हूँ शालू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सालूस किचन एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्प्रिंग ओनियन यानी हरे प्याज की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसे बनाना बहुत ही आसान है और मैं इसे बनाऊंगी पोटैटो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे में चढ़ा लिया है, इसे अच्छे से हम लोग गर्म कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल को आपको एकदम अच्छे से गर्म होने देना है धुएँ आने तक। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मेथी दाना। मेथी दाना को आपको अच्छे से चटकने दे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च। इसे हम लोग डालेंगे, इसे हम लोगों को अच्छे से सौटे कर लेंगे। देखिए ये लाल हो चुका है। अब इसमें मैं कटे हुए पोटैटो डालूंगी। यहाँ पर मैंने पोटैटो को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, आप चाहे तो लंबे भी काट सकते हैं। इसे हम लोग यहाँ पर मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। देखिए पोटैटो फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। इसे आपको पूरा फ्राई अभी नहीं करना है, बस इसे आपको थोड़ा ही फ्राई करना है। देखिए आलू फ्राई हो चुका है। अब हम लोग इसमें डालेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ऐड करें। यहाँ पर ऑयल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें हरा प्याज डालेंगे तो फिर ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और फिर लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना है इस पर। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग कटी हुई स्प्रिंग ऑनियन यानी हरे प्याज को डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहां पर हमें फ्लेम को मीडियम में रखकर इसे 10 मिनट तक ढककर हमें फ्राई करना है। और हाँ, बीच बीच में इसे चलाते रहना ताकि यह जले नहीं। वहाँ पर मैंने आलू को थोड़ा ही फ्राई किया था, क्योंकि यहाँ पर आकर इसे ये पूरा फ्राई करना है। देखिए ये फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो ये रहा हरे प्याज की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे सब्जी या भुंजिया कुछ भी बोल सकते हैं, और आप इसे रोटी पराठा या राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये सबके साथ अच्छा लगता है। मुझे तो ये पर्सनली रोटी के साथ या पराठे के साथ खाना पसंद है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। आज का ये सिंपल सा रेसिपी था। चलिए तो अब इसे हम लोग सर्व करते हैं। इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरा रेसिपी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये पसंद है। और इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट ज़रूर करें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियो डालती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है shalukumar715। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको फिर एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।